कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का खोखला साफ होकर निकल देना। ये हैं संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने मंच पर खड़े होकर वोट मांगा तो उन पर चुनाव आयोग ने तगड़ा एक्शन ले लिया। संभल पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और धारा लगाई 171 का, 153 ए और 188। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वोट मांगने पर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ कार्रवाई हो गई, वो क्यों? दरअसल बर्क पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। सपा प्रत्याशी ने आजम खान, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के नाम पर वोट मांगे थे। आप खुद सुनिए बर्क का मंच से दिया हुआ वो बयान। याद रखना, जो कुर्बानी परेशानी बीजेपी के टाइम में हुई है वो आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। चाहे आजम खान साहब को जेल में डालकर, उनके पूरे परिवार को जेल में डालकर जो किया गया है, चाहे हमारे शहाबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जिनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। मेरी गुजारिश है आप सब लोगों से, कसम है आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी क्यों जाया मत होने देना और इस भारतीय जनता पार्टी का खोखला साफ होकर निकल देना। जियाउर रहमान संभल में आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी की सभा में बुलडोजर के प्रदर्शन का जवाब दे दिया। क्या कहा सुनिए। 26 तारीख में वहां पे बुलडोजर का प्रदर्शन किया गया। वो डर और खौफ दिखाना चाहते थे हमारे दिलों के अंदर, लेकिन गलत फहमी के शिकार है। हम सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी से डरते नहीं और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के अंदर तुम्हारा इज्जत फेल करने का काम करेंगे। बता दें कि सपा प्रत्याशी बर्क का ये बयान अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है, क्योंकि जिनके नाम पर वो वोट मांग रहे थे उन्हीं को बीजेपी माफिया कहकर पुकारती है। और तो और, समाजवादी पार्टी पर माफिया के संरक्षण का आरोप खुद सीएम योगी भी लगाते रहते हैं। ऐसे में ये बयानबाजी सपा के लिए चुनाव से पहले और कितनी परेशानी बढ़ाती है वो देखना होगा।